नमस्कार, शेफ शौविक आईएम की तरफ से एक बार और आपके लिए होली का त्योहार लेके आज फिर से हम आपके लिए होली का त्योहार लेके आया। तो आप इतने दिन से देख रहे हो होली का त्योहार, कुछ ना कुछ हम आईएम से बना के आप दिखा रहा है। तो आता है कि यू पीपल आर लाइकिंग इट, यू पीपल आर वॉचिंग इट, यू पीपल आर गिविंग अस द कमेंट्स टू अस। सो अच्छा लग रहा है हम लोगों को भी, वी आर फीलिंग फाइन गुड ऑल्सो। तो आज एक और चीज आपको दिखाएंगे जो एक मिठास, हल्का सा मीठा घर में बन सकता है, जो आपको खिला सकते हैं हम। तो आज के लिए हम ये बनाएंगे छेने का, और छेने का मालपुआ। मालपुआ तो खाया है बहुत तरीके से, आज आपको दिखाएंगे छेने का मालपुआ। तो आइए देखते हैं छेने के मालपुआ के लिए हमको क्या चाहिए। यहाँ पे छेना और ग्रेटेड पनीर भी ले सकते हो, थोड़ा सा मावा और ये थोड़ा सा मैदा, बेकिंग पाउडर और ये शुगर सिरप, और यहाँ पे फ्राई करने के लिए थोड़ा डालडा लिया है हमने। तो आइए कैसे बनता है छेना का मालपुआ हम आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे ये छेना और पनीर जो भी आप ले सकते हो इसको, और उसके साथ पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैश करेंगे, अच्छी तरह से मैश करेंगे इसको। साथ में अभी मावा मिला देंगे इसके साथ। मैदा बाइंडिंग के लिए और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर देंगे, ये बेकिंग पाउडर क्या करेंगे थोड़ा सा फ्लैपी करेंगे इसको। अच्छी तरह से मिलान करेंगे इसको। जब इसका डो बन जाएगा तब तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जो डो बन गया अब इससे छोटा छोटा सा हिस्सा में इसको बनाएंगे, ऐसे अच्छी तरह से हाथ के चापने के बाद इसको राउंड करके फ्लैट कर देंगे। साइड से फटना नहीं चाहिए जब फ्लैट करेंगे, इसके लिए अच्छी तरह से इसको अगर आपको लगता है कि साइड से फट रहा है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल सकते हो, साइड से फटना नहीं चाहिए। तो इसको गोल करके हल्का सा चाप देंगे इसको, ये आपका मालपुआ छाना वाला बन गया। अब इसको हम करेंगे फ्राई, सो हम डालते हैं इसमें स्लो फायर में, धीरे धीरे फ्राई करेंगे। हल्का हल्का इसको फ्राई करते रहेंगे,
तो ये धीरे धीरे कलर हटेगा, कलर आएगा इसमें। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे, ये थोड़ा सा आपको इसमें ना बहुत ही नाजुक चीज है, तो आप इसमें जितना कम हो सके आपका ये जो लेडल है हिलाएंगे, इसको हम लोग फ्राइंग पैन को हिला हिला के इसको साफ क्लीन मतलब इसको कुक करेंगे काला रहने तक। धीरे धीरे काला रहा है, ये जब कलर आ जाएगा थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश कलर आएगा इसमें, तो हम धीरे से उठा के इसको शुगर सिरप में डालेंगे। तो उसके बाद हम इसको कलर आ गया इसमें थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर आ रहा है इसमें, देखिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मैंने इसको डाला है, धीरे धीरे अंदर में डूब रहा है ये शुगर सिरप को खींच रहा है। तो ये फ्राई हो गया, अब मैं धीरे धीरे सफाई करके इसमें डालेंगे। देखिए मैं जब डाल रहा हूँ तब ये भाप रहा है, धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है। तो ये डालने के बाद थोड़ा सा देर, थोड़ी देर के लिए आपको रखना पड़ेगा इसके अंदर। तो आप हम थोड़ी सी वेट करेंगे, 5 मिनट वेट करेंगे इसको शुगर सिरप को खींचने के लिए। वो खींच जाएगा अंदर में तब वो ये मालपुआ रेडी हो जाएगा। तो ये अभी शुगर सिरप में भीग गया है, तो हम लोग इसको सर्विस करेंगे, साफ कर देंगे। तो ऐसे साफ करते हैं इसको, हम पका के उठाएंगे। और साथ में हम तो ये आपके लिए छेना का मालपुआ और साथ में थोड़ा सा रस डाल देंगे इसके अंदर। ये छेना वाला मालपुआ आपका रेडी हो गया। इसको हम अभी सर्विस कर सकते हैं, इसको कर सकते हो। ये अभी मालपुआ छेना से बना हुआ मालपुआ आपका। तो आप ऐसे घर में थोड़ा थोड़ा सा चीज, थोड़ा थोड़ा मिठाई आप घर में बना सकते हो, जो आपको साफ कर सकते हो। बहुत ही इजी बनाने के लिए है, जो आप बड़ी इजीली बना सकते हो। जो हर रोज हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, फ्रॉम IIM की तरफ से आप लोग ये जान पा रहे हो कि क्या क्या खाना बन सकता है, क्या क्या नया चीज हो सकता है। आइटम तो वही होता है जो अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा इधर से उधर करके हम लोग बनाते हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो आपके घर पे कोई अगर ऐसे भी हो जो उसको ऐसी बनाने का नया है उसके अंदर में, वो बनाने का कोशिश कर रहा है, तो वो अगर अपना जिंदगी उससे करियर को बनाना चाहता है, तो आप आ सकते हो IIM में। यहाँ पे हम लोग होटल मैनेजमेंट टीचिंग करते हैं, जो हमारा ये IIM लास्ट 30 ईयर से चल रहा है। और डिफरेंट होटल में ऐसी बहुत लोग है, बहुत एम्प्लॉय है जो हमारे यहाँ से
पास करके अपना नौकरी कर रहा है। तो आप यहाँ से आ सकते हो, आप देख सकते हो और हमारा प्रोग्राम भी आप देखो। अगले दिन में होली के लिए और भी प्रोग्राम आपके लिए आएगा। बोलते हुए नमस्कार, विदा लेते हुए शेफ श्रोविक, नमस्कार।